गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। हम लोग छंद की प्रकार पढ़ रहे थे और कल बच्चों हम लोगों ने देखा था चौपाई। चौपाई को मैंने बताया था ये सममात्रिक छंद था। सममात्रिक छंद का मतलब इसके सभी चरणों में समान मात्रा का होना। मैंने बताया था चौपाई चार चरणों में होती है और उसके सभी चरणों में 16-16 मात्राएं थी। आपको उदाहरण भी दिया था। अब आज बच्चों हम लोग जो छंद का वो पार्ट पढ़ रहे हैं जो आपको प्रत्यक्ष रूप से बोर्ड की परीक्षा में मिलेगा और जो पाठ्यक्रम में है मैं वही छंद आपको पढ़ा रहा हूं। आज बच्चों दूसरा दोहा। दोहा छंद की कुछ खास बातें बच्चों। सबसे पहली बात, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। बच्चों अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब है दोहा छंद के अगर चार चरण हैं, दोहा छंद के चार चरण हैं तो आधे चरणों में एक प्रकार की मात्रा, एक प्रकार की मात्राओं की संख्या और शेष आधे चरण में एक प्रकार की मात्राओं की संख्या होगी। पहली बात। दूसरी बात, इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा है। याद रखिए बच्चों, ये पहला चरण है ये वाला और ये तीसरा चरण है बच्चों। अब इन दोनों चरणों में क्या होगा, 13-13 मात्राएं होंगी। इनमें 13 और इनमें 13 और दूसरे और चौथे चरण में ये बच्चों दूसरा चरण है, दूसरे चरण में 11 मात्रा होगी और ये चौथा चरण है, चौथे चरण में भी 11 मात्राएं होंगी। ठीक, दो बातें बताई। अर्ध सममात्रिक छंद है यानी कि दोहे में अगर चार चरण है तो किन्हीं दो चरणों में एक मात्राओं की संख्या होगी और दूसरे दो चरणों में एक प्रकार की मात्राओं की संख्या होगी। मैंने बताया पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं और सम चरणों के अंत में गुरु लघु आता है। याद रखें बच्चों, सम चरण यानी दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा के अंत में गुरु लघु द दे। आप जानते हैं बच्चों एक ही मात्रा जो है उसे हमेशा गुरु माना जाता है, या छोटे अ की मात्रा इसे हमेशा लघु माना जाता है। फिर वही नीचे भी चौथे चरण में अंतिम चरण में बच्चों एक ही मात्रा गुरु माना जाता है, अ छोटा अ की मात्रा लघु माना जाता है अंत में ये। आइए इसकी गणना कर लेते हैं। पहले चरण में 13 कैसे बच्चों, बड़ा का यानी ये आ की मात्रा गुरु, गा गुरु, फिर का गुरु, ओ गुरु और बच्चों ये है लघु, ये है लघु, ह लघु, र ए की मात्रा गुरु। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 2, 13। क्लियर बच्चों। आइए तीसरे का भी गिन लेते हैं। बड़ी ए की मात्रा गुरु, ए की मात्रा गुरु, ब लघु, च लघु, न लघु, उ की मात्रा लघु, यहां बड़ा अ की मात्रा गुरु, य लघु, क र लघु लघु। 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 13। आपने देखा बच्चों पहले और तीसरे में 13-13। दूसरे में आइए गिन लेते हैं। ओ की मात्रा है गुरु, य लघु, ल लघु, आ की मात्रा है छोटा, बच्चों यहाँ बड़ा आ की मात्रा है गुरु, ओ की मात्रा है गुरु, दे की मात्रा गुरु और ए की मात्रा गुरु और य में अ की मात्रा है छोटा तो लघु। तो बच्चों गिन ले इसको, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। इस प्रकार आपने देखा कि दोहा दोहे के पहले और तीसरे चरण में
13 13 और दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं आ रही हैं और अंत में गुरु और लघु का क्रम भी आ रहा है। इस प्रकार यह दोहा सिद्ध हुआ। अब बच्चों जल्दी से देख लेते हैं सोरठा। सोरठा याद रखें बच्चों, सोरठा दोहे का पूरी तरह उल्टा रूप है, अर्थात बच्चों यह भी एक अर्धसम मात्रिक छंद है। उल्टा कैसा? उल्टा इसलिए बच्चों कि जहां दोहे में पहले और तीसरे विषम पदों में 13-13 आता था, इसमें पहले और तीसरे विषम पदों में 11-11 मात्राएं आएंगी। दूसरे और चौथे चरण में जहां दोहे में 11-11 मात्राएं होती थी, इसके उल्टे इसमें 13-13 मात्राएं होंगी। और बच्चों अंत में आप एक दो बातें और सोरठा की बताएंगे। सोरठा का जो तुक होता है, तुकांत होता है, जो राइमिंग होती है, वो विषम चरणों में ही होती है। विषम चरण माने पहला और तीसरा, और सम चरणों के अंत में जगण का निषेध होता है। कुछ भी हो, आप जानते हैं गण 8 होते हैं, 8 में से जगण नहीं होगा। अब आप चेक कर ले, आइए इसका निरीक्षण करें। पहला और तीसरा, पहले और तीसरे में हमने क्या बच्चों बताया था? 11-11। देखें आप, 2 1 3, 2 5 1 6, 2 8 2 10 1 11, पहले में 11। अब तीसरे और बच्चों फिर दूसरे में हम देखें, देखें पंगु, मैंने बताया था अनुसार जो है वो हमेशा गुरु माना जाएगा, 2 छोटे उ की मात्रा लघु, फिर 6 अ की मात्रा लघु, फिर ए की मात्रा गुरु, छोटे इ की मात्रा गुरु, छोटे इ की मात्रा एक लघु, फिर छोटी री इ की मात्रा लघु, र अ छोटा लघु, ग लघु, ह लघु, न। और इस तरह से बच्चों गणना कर ले, 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। अब देखें इसमें 13 आ रही है, इसी तरह इसमें भी 13 होगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि इसके अंत में जगण नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो सकता है। निरीक्षण करें, ग ह न, बच्चों ग ह न क्या है यहां पर? लघु 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 लघु। आपको मैंने बताया था गण में बच्चों न जो है यहां पर लघु 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 नगण में आता है, और इन दोनों में बच्चों लघु लघु आ रहा है, तो ये नगण है अर्थात जगण का निषेध है। इस प्रकार दोहा भी सिद्ध हुआ। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा अभी दोहा और साथ में सोरठा। दोहा और सोरठा दोनों अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसका अभ्यास करें, गृह कार्य करें, गणना करना सीखें, और बच्चों अच्छी गणना आ जाएगी, परफेक्ट गणना आ जाएगी। सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक बार फिर से आपको अंतिम में कह रहे हैं बच्चों, समय थोड़ा मुश्किल है, हौसला रखें, हौसला रखने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं कल, और बच्चों अगले दोहे जो है अगले छंद के साथ। बच्चों आप जहां भी रहें खुश रहें और दूसरों को खुशियां बांटें। नमस्कार।